बॉलीवुड में हर साल कई अवार्ड फंक्शन होते हैं, जिनमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, डायरेक्टर आदि को अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड सेलेब्स को अप्रेज करते हैं और साथ ही साथ आगे और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट भी। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब सेलेब्स ने अवार्ड लेने के लिए मना कर दिया है। इस पैकेज में आपको बताते हैं ऐसे सेलेब्स के बारे में जिसमें किसी ने फिल्म फेयर तो किसी ने पद्मश्री तक को मना कर दिया था। शशि कपूर। 1961 में शशि कपूर को उनकी फिल्म धर्मपुत्र के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन शशि कपूर ने इस अवार्ड के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नेशनल अवार्ड डिजर्व नहीं करती। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने अपनी पहली फिल्म एयर ट्रॉफी लौटा दी थी, जिसका कारण उन्होंने बताया था कि उन्हें ऐसी ट्रॉफी का आइडिया पसंद नहीं जिस पर एक बिना कपड़े की महिला हो, जिसके बाद इसके आयकन को बदला गया था और 1958 में लता को फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया था। रीना रॉय को उनकी फिल्म अपनापन के लिए 1977 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर से सम्मानित किया जाना था, लेकिन एक्ट्रेस ने इस वजह से मना कर दिया कि फिल्म में उनका किरदार लीड रोल था, सपोर्टिंग नहीं। वैजयंती माला। विमल रॉय की 1955 में आई देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। इस किरदार के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी और उनको फिल्म फेयर की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो खुद को लीड किरदार बता रही थी। सुचित्रा सेन। विमल रॉय की 1955 में आई देवदास को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये पुरस्कार आयोजन राष्ट्रपति भवन में होना था, लेकिन फिल्म के मेकर्स इसे पब्लिक इवेंट बनाना चाहते थे, जिस वजह से इस पुरस्कार के लिए उन्होंने मना कर दिया। कंगना रनौत को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में तनु वेड्सम अनु के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन एक्ट्रेस ने किसी वजह से इस अवार्ड के लिए मना कर दिया था। कुमार सानू ने बैक टू बैक 5 बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अवार्ड के लिए मना कर दिया था। इसका कारण सानू ने बताया था कि वो चाहते हैं कि जो बाकी डिजर्विंग कंटेस्टेंट हों उन्हें भी मौका मिले। पृथ्वीराज कपूर को उनकी फिल्म मुगले आजम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना था कि वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिजर्व करते हैं। सलीम खान। 2015 में बॉलीवुड के आइकॉनिक राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने पद्मश्री अवार्ड के लिए मना कर दिया था। उनका मानना था कि वो पद्मश्री नहीं पद्म भूषण डिजर्व करते हैं। सोनू निगम। फिल्म बॉर्डर के गाने संदेश आते हैं गाने को सोनू निगम ने रूप सिंह राठौड़ के साथ गाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन सोनू निगम ने इसलिए उस अवार्ड को मना कर दिया क्योंकि उन्हें सही नहीं लगा कि सिर्फ उन्हें अकेले ही सम्मानित किया जा रहा है।